दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का क्रॉप इम्प्रूवमेंट पार्ट टू रबी क्रॉप्स का है। ठीक है, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड पार्ट जो है रबी क्रॉप्स बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का उस सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो कई बार के रिपीटेड क्वेश्चन हैं या फिर आपके 100% सिलेबस बेस्ड प्रश्न हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मेरा मेहनत सफल हो पाएगा, तभी आप इन 20 प्रश्नों को समझ पाएंगे ताकि आपका पेपर में स्कोर अच्छा हो। ठीक है, और मेरा मेहनत भी सफल हो जाए। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और PDF नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर कुछ प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बकवास को बंद करते हैं और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गन्ने के पुष्प को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गन्ने के पुष्प को या जो गन्ने का फूल होता है या पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको एरो कहा जाता है। ठीक है, एरो कहा जाता है गन्ने के फूल को या गन्ने के पुष्पक्रम को, यूँ कहें तो एरो कहा जाता है। और नेक्स्ट है देसी चना के वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों देसी चना का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? तो ये होता है आपका देसी चने का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम। क्या होता है? साइसर एरिटिनम। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? तो 2n = 14, यानी 2n = 14 इसका होता है गुणसूत्रों की संख्या। और इसका नेम होता है साइसर एरिटिनियम देसी चना का। और दोस्तों वहीं बात करें आपके काबुली चने का, तो जैसा कि इसके नीचे लिखा हुआ है काबुली चना या फिर सफ़ेद चना, जो आपने देखा होगा जो काबुली चना होता है वो सफ़ेद होता है। और उस चने का वैज्ञानिक नाम का बात करें तो उस चने का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर काबुलियम। ठीक है, ये काबुली चने का वैज्ञानिक नाम दोस्तों इजी है, काबुली नाम से ही है। साइसर काबुलियम जो है ये आपका काबुली चने का वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होता है 2n = 16, यानी 2n = 16 होता है। देसी में होता है 2n = 14 और काबुली जो है उसमें 2n = 16 होता है, याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट है मटर के एंड्रोशियम होते हैं, तो दोस्तों मटर के एंड्रोशियम कितने होते हैं? तो इनमें जो होते हैं 9+1 पुंकेसर होते हैं। ठीक है, मटर के एंड्रोशियम में टोटल कितने पुंकेसर्स होते हैं? वो होते हैं आपके 10। ठीक है, 9+1। और नेक्स्ट है पंत एल 209 किसकी प्रजाति है? आपको यहाँ पे 209 देखने को नहीं मिल रहा होगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, पंत एल 209 किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों पंत एल 209 ये आपका लेंटिल की यानी मसूर की प्रजाति है। ठीक है, मसूर की, यहाँ पे पंत एल का मतलब लेंटिल होता है, तो पंत एल 209 जो है वो आपकी मसूर की प्रजाति है। और नेक्स्ट है चने में उकठा रोग किसके कारण लगता है? दोस्तों चने का बहुत ही भयानक रोग होता है उकठा रोग, और किसके कारण यह रोग लगता है? तो ये लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम के कारण। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम नामक जो फफूंद होता है जिसके कारण चने में विल्ट डिजीज लगता है, जिसको हिंदी में उकठा रोग कहा जाता है। और नेक्स्ट है चने की उकठा रोग प्रतिरोधी प्रजातियाँ कौन सी है? तो दोस्तों ये प्रश्न को बार बार पूछा जाता है और इस प्रश्न को इस ऐसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि चने की ऐसी प्रजाति जो कि विल्ट डिजीज या उकठा रोग के प्रतिरोधी बनाई गई है उसका नाम क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि चने की किस रोग के प्रतिरोधी प्रजाति को तैयार किया गया है। तो चने की जो प्रतिरोधी किस्म है वो आपका है उकठा रोग के प्रतिरोधी, जिसका नाम है आपका पंत G114 और पूसा 209, साथ ही साथ हरियाणा चना 1। ये तीनों के तीनों क्या हैं? और सारे हैं लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पंत G114, पूसा 209 और हरियाणा 1 जो चना है ये आपका उकठा रोग के प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, इसमें उकठा रोग नहीं लगता। और नेक्स्ट है डी कैंडोले के अनुसार चना का उत्पत्ति स्थान, तो दोस्तों ऐसे तो कई वैज्ञानिक का मत होता है अलग अलग, यहाँ है वहाँ है, लेकिन डी कैंडोले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में कई सारे अपना तथ्य दिए, उनके हिसाब से देखा जाए तो जो चने का उत्पत्ति स्थान है वो आपका भारत ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल का बात किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपसे चना का उत्पत्ति स्थान पूछे तो आप भारत को टिक कर दें, वहाँ पर अगर नाम हो वैज्ञानिक का डी कैंडोले के अनुसार तो
डी कैंडोले के अनुसार जो चना का उत्पत्ति स्थान है वो आपका भारत है, ठीक है। और नेक्स्ट है गन्ने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, सॉरी गेहूं में। तो दोस्तों गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में आपका ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट है गेहूँ के बौनी प्रजाति के बीज सर्वप्रथम कब प्राप्त किए गए, तो दोस्तों गेहूँ के बौनी प्रजाति जो है, बौनी किस्म की जो गेहूँ है उनकी बीज को सर्वप्रथम कब प्राप्त किया गया। जैसे आपको पता है एनई बोरलॉग के द्वारा अमेरिका में सबसे पहले बौनी किस्म की गेहूँ का बीज प्राप्त किया गया था, और कब किया गया था, तो ये 1963 ईस्वी में किया गया था, कब 1963 में किया गया था। और दोस्तों नेक्स्ट है चने के पुष्प में कितने परागकोष होते हैं, तो दोस्तों चने के पुष्प का बात करें तो चने के पुष्प में टोटल 10 परागकोष होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको ऊपर में बताया मटर में कितने होते हैं, तो 9+1 होता है, और चने में टोटल 10 परागकोष होते हैं। और नेक्स्ट है मटर के आर्केल प्रजाति को भारत में कब पूरा स्थापित किया गया, दोस्तों चने की एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है जिसको सब्जी वाले चने, सॉरी चना मैं बोल रहा हूँ, मटर का एक बहुत ही पॉपुलर प्रजाति है जिसका नाम है आर्केल, जिसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, मीठी मटर के नाम से भी जानते हैं, जिसका वो फली होता है वो काफ़ी लंबा होता है और उसको सब्जी में मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है। तो उस जो मटर आर्केल मटर है उस प्रजाति को भारत में कब पूरा स्थापित किया गया, यानी भारत में उसको अन्य देशों से कब लाया गया, तो दोस्तों इसको 1970 ईस्वी में लाया गया था, पूरा स्थापित किया गया था। और किस देश से आर्केल नामक मटर को लाया गया था, तो इंग्लैंड से लाया गया था, ठीक है। इससे दो प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ से आया है आर्केल नामक मटर भारत में, तो इंग्लैंड से आया है, और कब आया, तो ये दोस्तों आपका 1970 में आया है। और नेक्स्ट है सूरजमुखी में कौन सा परागण होता है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है पोलिनेशन मेथड इन सनफ्लावर, तो दोस्तों सनफ्लावर में जो होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी पर परागण होता है, ठीक है। सूर्यमुखी में कैसा परागण होता है, तो पर परागण होता है। और नेक्स्ट है मटर में उत्परिवर्तन प्रजनन के का वर्णन किसने किया, तो दोस्तों मटर में जो आपका उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग है इसका जो वर्णन किसने किया, तो जरानोवस्की और माइकी नामक वैज्ञानिक थे, जरानोवस्की और माइकी नामक वैज्ञानिक जिन्होंने मटर में उत्परिवर्तन प्रजनन के बारे में वर्णन किया, ठीक है। और नेक्स्ट है सूरजमुखी का संकर प्रजाति BSH को भारत में कब संस्तुत किया गया, तो दोस्तों सूरजमुखी का जो संकर प्रजाति है BSH इसको भारत में सन 1980 ईस्वी में संस्तुत किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका तिलहनी फसलों में तेल का रंग किसके कारण होता है, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल कलर का बात नहीं किया जा रहा कि तेल का रंग लाल ही क्यों होता है, पीला ही क्यों होता है, हरा क्यों होता है, दोस्तों ओवरऑल बात करें तो जितने भी आपके तिलहनी फसल हैं उनमें तेल का रंग तो कोई ना कोई होता ही है, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कि जो कभी कभी जो किसी तेल को देखे होंगे तो उसमें कभी कभी हरा रंग का तेल भी दिखने को मिलता है, ठीक है। अब पूरा हरा नहीं लेकिन हल्का हल्का हरापन होता है, तो वो होता है आपका क्लोरोफिल के कारण, और जो अलग अलग जैसे पीला कलर हो गया वो होता है आपका कैरोटीनॉइड्स के कारण, ठीक है। और नेक्स्ट है आलू का रंग हरा क्यों होता है, दोस्तों तो आलू का रंग हरा सोलेनिन के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण, सोलेनिन के कारण होता है। और नेक्स्ट है आलू के पछेती झुलसा रोग नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आलू का जो सबसे खतरनाक रोग है वो आपका पछेती झुलसा रोग है। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि आलू का सबसे भयानक रोग कौन सा है, तो पछेती झुलसा रोग है। और इसको नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, तो इसको नियंत्रण करने के लिए डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 का 0.5% घोल को यूज करते हैं आलू के पछेते झुलसा रोग से बचाव के लिए। और आपको बता दें आलू का जो पछेते झुलसा रोग है वो किसके कारण लगता है, तो फाइटोफ्थोरा इन्फेंट्स के कारण लगता है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपसे रट्टा लगा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और याद कर लीजिएगा बिल्कुल, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना ऐसा नहीं कि जो प्रश्न मैं आपको शुरू में बताया सिर्फ वहीं पूछा जाएगा, जो लास्ट में बताऊंगा वो नहीं पूछा जाएगा, सभी प्रश्नों को पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्न आपके सिलेबस वाले प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप बढ़िया समझ पाएंगे, और मैं जितना चिल्ला रहा हूँ आपसे वो सफल तभी हो पाएगा जब इन सभी प्रश्नों को समझेंगे। और नेक्स्ट है आपका राजमा का वनस्पतिक नाम क्या होता है, दोस्तों तो दोस्तों राजमा जो होता है उसका वनस्पतिक नाम होता है आपका फेजियोलस वेलगेयर, ठीक है, क्या होता है, फेजियोलस वेलगेयर राजमा का आपका बोटेनिकल नेम होता है। और इसमें गुणसूत्र की बात करें तो 2N=22 होता है गुणसूत्र, ठीक है, किसमें, राजमा में। और नेक्स्ट है आपका मटर में कौन सा परागण होता है, यानी दोस्तों पोलिनेशन मेथड इन पी
दोस्तों, तो मटर में जो होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन यानी स्व परागण होता है। मटर में कैसा परागण होता है, तो स्व परागण होता है। और दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का आखिरी प्रश्न है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों, गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर कर्नाटक में है। ठीक है, कोयम्बटूर कर्नाटक में है, यानी गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर एक शहर है जो कि कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने मैंने प्रश्नों को बताया वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुए होंगे। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आपका कोई इंडिविजुअली सवाल हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।